हेलो स्टूडेंट, मेंडलीव की आवृत सारणी क्या थी, उसके अंदर क्या क्या अपने को कमियां देखने को मिली, उन सभी बातों को अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो अपने बात करेंगे वो बात करेंगे अपने आधुनिक आवृत सारणी की। ठीक है, अब आधुनिक आवृत सारणी अपने पहले कल अपने कमियों में ये देखा था कि जो मेंडलीव ने जब अपनी आवृत सारणी दी थी उस समय तक मेंडलीव को परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान नहीं था। ठीक है, अर्थात परमाणु के अंदर जो अपरमाणविक जो कण है वो अपरमाणविक कण परमाणु के अंदर मौजूद होते हैं या नहीं होते, इसके बारे में मेंडलीव को ज्ञान नहीं था। परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में वो नहीं जानता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि आगे जब परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में जब खोज हो चुकी थी तो उस समय एक अपने पास भौतिक वैज्ञानिक थे, ये भौतिकी के वैज्ञानिक थे, वो कौन से थे, हेनरी मोज़ले। और इन्हीं हेनरी मोज़ले को ही अपने क्या कहा जाता है, आधुनिक आवृत सारणी का जनक कहा जाता है। तो हेनरी मोज़ले ने जो एक्स किरणें होती है उन एक्स किरणों की आवृत्ति, हेनरी मोज़ले ने क्या किया कि जो एक्सरे किरणें हैं उस एक्स किरणों की आवृत्ति, ठीक है, इसको मैंने जैसे इसका वर्गमूल, एक्सरे किरणों का आवृत्ति का वर्गमूल मैंने इसको मैं लिख सकता हूं डेल वी, और परमाणु क्रमांक मतलब जेड के बीच में उन्होंने क्या किया, आरेख खींचा। तो जो आरेख था वो कैसा प्राप्त हुआ अपने को, सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। जो आरेख है वो कैसा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा के रूप में अपने को प्राप्त, या हेनरी मोज़ले को वो प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन अगर यही आरेख अपने एक्स किरणों की जो आवृत्ति डेल वी और रूट वी, और अगर अपने परमाणु भार के बीच में अगर इन्होंने खींच के देखा तो तब जो आरेख था वो अपने कहा कि वो आरेख सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात उसके अंदर क्या देखने को मिली, अनियमितता देखने को मिली। तो हेनरी मोज़ले को यहाँ लगा कि परमाणु भार के स्थान पर यदि अपने परमाणु क्रमांक को अगर प्रयोग में लिया जाए, ठीक है, परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक को अगर प्रयोग में लिया जाए तो जो इनके गुणधर्म हैं उन गुणधर्मों में अपने को क्या देखने को मिलती है, ज़्यादा नियमितता देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक प्रयोग किया कि एक्स किरणों की आवृत्ति का जो वर्गमूल मान है डेल रूट वी और किसके बीच में परमाणु क्रमांक जेड के बीच में क्या खींचा, आरेख खींचा, तो उनको आरेख कैसा प्राप्त हुआ, सरल रेखा प्राप्त हुई। अर्थात जो परमाणु क्रमांक को अगर ध्यान में रखा जाता है तो तत्वों के गुणधर्मों में ज़्यादा नियमितता देखने को मिलती है, किसकी तुलना में, परमाणु भार की तुलना में, कि जब इन्होंने परमाणु भार को प्रयोग में लिया तो उनको उसमें नियमितता देखने को नहीं मिली, उसमें इनको क्या मिली, अनियमितता देखने को मिली। अर्थात ये कह सकते हैं कि परमाणु भार की तुलना में जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक ज़्यादा नियमित होता है। तो इसके आधार पर अपने को एक आधुनिक आवृत नियम दिया गया। वो आधुनिक आवृत नियम किसने दिया था अपने को, हेनरी मोज़ले ने दिया था। तो ठीक है, तो हेनरी मोज़ले का जो आधुनिक आवृत नियम क्या है उसके बारे में अपने बात करेंगे, आधुनिक आवृत नियम। ठीक है, तो इसको देखता हूं कि आधुनिक आवृत नियम क्या है। तो अपने कहते हैं कि जो तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के, उनके परमाणु क्रमांकों के आवृत्ति फलन होते हैं।
ठीक है, जबकि मेंडलीव ने क्या कहा था कि तत्वों के जो भौतिक व रासायनिक गुणधर्म है उनके परमाणु भारों के आवृत्ति फलन होते हैं। यहां पर हेनरी मोजले ने जो आधुनिक आवृत नियम लिया उन्होंने परमाणु भार के स्थान पर किसको ज्यादा महत्वता दी, परमाणु क्रमांक को ज्यादा महत्वता दी, अर्थात तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवृत्ति फलन होते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, आधुनिक आवृत नियम कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास आधुनिक आवर्त नियम है और इसी आधुनिक आवर्त नियम को ध्यान में रखते हुए आज जो हमारी जो आवर्त सारणी है वो आज हमारे सामने, वो आवर्त सारणी जो हमारे सामने आई और इस आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को किस रूप में रखा गया था, उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया था। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, धीरे धीरे इस आवर्त सारणी के ऊपर विकास होता गया और विकास होते होते यहाँ पर देखा गया कि जो तत्वों के जो भौतिक व रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होते हैं। आगे क्या देखा गया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होते हैं। कैसे, अपने बताएं कि कोई भी परमाणु अगर उदासीन है तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, और परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये अपने इससे पहले चैप्टर के अंदर अपने डिस्कस कर चुके हैं, परमाणु संरचना के अंदर अपने कहा था कि तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है वो उस तत्व में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है, अर्थात जो जड़ का जो मान है वो जड़ का मान किसके बराबर होता है, पी के मान पर निर्भर करता है, प्रोटोनों की संख्या पर निर्भर करता है। और अगर वो उदासीन है परमाणु तो उदासीन परमाणु में प्रोटोनों की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो अपने इसका सीधा संबंध ले सकते हैं ना, यहाँ पर क्या कहा गया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होते हैं, प्रोटोनों की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, और अगर वो उदासीन है तो इसका मतलब वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रॉन के। तो अपने इस नियम को संशोधित कर सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवृत्ति फलन होते हैं, अर्थात उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। तो ये चीज अपने आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर ये चीज जोड़ी जा सकती है, और जब इस चीज को आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जोड़ दिया गया तो इसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहा गया। क्या नाम दिया गया इसे, आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप। ठीक है, तो अब अपने से कोई पूछे कि आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप क्या है, तो अपने कहेंगे कि आवर्त तत्वों के जो भौतिक व रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहा जाता है। अब इस आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप के अंदर आगे डिस्कस करें कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर मेंडलीव ने अपने को समूह और श्रेणियां जो दी थी, मेंडलीव ने अपने को क्या दी थी, समूह, तो उन समूहों को, समूह किसको बोला था उसने, कि जो मेंडलीव के आवर्त सारणी के अंदर जो समूह थे, ठीक है, कौन सी, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं थी, उन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को, ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां थी उस ऊर्ध्वाधर पंक्ति को उसने क्या कहा था, समूह कहा था, लेकिन आज उसको आधुनिक आवर्त सारणी में इसे क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। क्या नाम दिया जाएगा इसे, वर्ग नाम दिया जाएगा। इसी तरह से मेंडलीव ने जो क्षैतिज पंक्तियां थी उस क्षैतिज पंक्तियों को क्या नाम दिया था उसने, श्रेणी नाम दिया था, लेकिन आज उन क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। तो ये आवर्त और वर्ग किसके आधार पर नाम आए, जो आधुनिक आवर्त नियम है, मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार पर, और ये जो वर्ग और समूह जो नाम आए वो किसके आधार पर आए, जो इससे पहले अपने मेंडलीव की आवर्त सारणी की थी, तो मेंडलीव आवर्त सारणी के आधार पर ये नाम दिए जाते हैं।
ठीक है। अब मेंडलीफ ने जो समूह या वर्ग कितने बताए थे, उसने नो बताए थे। कितने बताए थे इसने? नो, नो, ठीक है। और यहां पर ये कहता है कि अब नो कैसे थे, तो अपने नो को ये देखा था कि एक से लेकर सात तक जो समूह है उनको ए और बी भाग में बांटा था आपने। कितने भागों में बांटा था? ए और बी भाग में। और आठवें को कितने भाग में बांट दिया था आपने? तीन भागों में। इसके अलावा हमारे पास एक अन्य समूह था जिसको नाम दिया था शून्य समूह। तो इस तरह से कुल जो आपने कहा था 18 हो गए। प्रत्येक एक से सात तक समूह को उसने उप समूहों में बांटा था, तो कितने हो गए? 14। और आठवें समूह को इसने कितने भागों में बांटा? तीन उप समूह में बांटा, तो 14 और 3 17। और एक शून्य वर्ग कितना हो गया? 18। तो इसी चीज को उन्होंने जो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह उप समूह को हटाकर उसके स्थान पर अपने सीधा ही कह दिया कि आज की आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं वो वर्ग कितने हैं? 18 वर्ग हैं, ठीक है। दूसरी बात श्रेणी, तो उन्होंने श्रेणी कितनी बताई थी? 7 बताई थी। तो आज की आधुनिक सावरणी में उन श्रेणियां भी आज के आधार पर भी कितनी हैं? 7 ही है, सिर्फ उनको नाम चेंज कर दिया गया। नाम आज के समय में उनको श्रेणी न कहकर क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज जो आधुनिक आवर्त सारणी हमारे सामने आ रही है उसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। और आवर्त कितने हैं? 7, उसके अंदर आवर्त रखे गए हैं, ठीक है। तो ये आज की अपनी आधुनिक आवर्त सारणी है। अगर आधुनिक आवर्त सारणी का अगर अपने फ्लो चार्ट बनाएं तो वो किस तरह से बनता है उसको अगर अपने देखें, तो ये अपने पास आज आधुनिक आवर्त सारणी अपने सामने आती है। जो आज की आधुनिक आवर्त सारणी है वो इस प्रकार की है। इसके अलावा नीचे इस तरह से अपने, तो आज की आधुनिक सावरणी अगर अपने देखते हैं तो आज की आधुनिक आवर्त सारणी अपने को कुछ इस प्रकार से अपने को दिखाई देती है, ठीक है। तो इस प्रकार की अपने को आधुनिक सावरणी का जो स्वरूप है वो आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें कि जो प्रथम ये जो दो वर्ग इसमें रखे गए हैं इसको जो नाम दिया जाता है वो कौन सा नाम दिया जाता है अपने? एस ब्लॉक नाम दिया जाता है। इसका नाम क्या होता है? एस ब्लॉक, ठीक है। जो कौन कौन सा है अपने पास देख सकते हैं यहां पर, एस ब्लॉक कौन सा है तो इसके आधार पर मैं बात करूं, यहां पर ये जो समूह इसको नाम दिया गया वर्ग को फर्स्ट ए और ये होता है हमारे पास सेकेंड ए, ठीक है। तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए। इसके बाद में बीच के जो 10 हैं इसे क्या बोला जाता है आज के आधुनिक आवर्त सारणी में? डी ब्लॉक इसे नाम दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? डी ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो बीच के जो 10 हैं उसे क्या नाम दे दिया जाएगा? डी ब्लॉक नाम दिया जाएगा। वो कौन कौन से हैं आपने देख सकते हैं इसके अंदर, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी,
सेवंथ भी। इसके अलावा ये जो तीन हैं वो कौन से हो जाते हैं, जो एट जो उसने नाम दिए थे, ठीक है, तो वो हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवंथ भी, ठीक है, ये अपने पास आ गए इसके अंदर। अब इसके अलावा ये जो आते हैं, ये कौन कौन से हैं जिसको अपने क्या नाम दिया गया है यहाँ पर, जो अंत के जो छः हैं, इन छः को क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक कहा जाता है। तो इसके अंत के छः को क्या नाम दे दिया जाएगा, पी ब्लॉक नाम दे दिया जाएगा। अब वो पी ब्लॉक कौन कौन से हैं, वो देखिए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और इसके अलावा ये जो अपना था शून्य समूह था, ठीक है। तो ये शून्य समूह हो गया। इसके अलावा ये जो दो बचे हैं, इन दोनों को जो नाम दिया जाता है, वो नाम दिया जाता है कि फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और सेकंड बी। और ये जो तीन अपने पास बच गए, ये तीन कौन से हैं, जो आठवां समूह था, जिसको उसने ए और बी भाग में नहीं बांटा था, तो वो आठवां समूह हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो जो अपने को हेनरी मोजले ने जो दी थी वो थी। इसके अलावा जो नीचे वाला जो वर्ग है, इसे क्या नाम दिया जाता है, एफ ब्लॉक नाम दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि आज की आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। तो इस दो वर्गों में जो आएंगे, फर्स्ट ए और सेकेंड ए में आएंगे जो, उनके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रविष्ट करेगा, एस उपकोष में प्रविष्ट करेगा। यहाँ पर बीच के दस में अगर किसी में आते हैं तो किस में प्रविष्ट करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में। यहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रविष्ट करता है, पी में। और यहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रविष्ट करता है, एफ में प्रविष्ट करता है, ठीक है। अब आज के समय में जो आईयूपीएससी है, उस आईयूपीएससी ने इस तरह के जो नंबरिंग का तरीका है वो बदल दिया। उसने सीधा सा नंबर दिया, क्या नंबर देता है, जैसे पहले को फर्स्ट, इसको नाम देता है सेकेंड, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ, ठीक है, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन और एटीन। तो आज के समय में जो नाम दिए गए हैं वो इस प्रकार से नियम दिए गए हैं, ठीक है। आईयूपीएससी ने जो नंबरिंग का जो तरीका है हमारा वो बदल दिया, और वो बदल कर सीधे जो अपने जो अक्षर हैं इंग्लिश में अपने लिखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इस तरह से वो नंबरिंग दे देता है। ये हेनरी मोजले ने जो नंबरिंग दी थी वो मेंडलीव को ही उसने परिवर्तित किया था। देखो, मेंडलीव का रूप था, आपने कहा था कि जो प्रत्येक वर्ग था या प्रत्येक जो समूह था उसको दो समूह उप समूह में बांटा गया था, कौन सा, देखो, फर्स्ट ए और सेकेंड फर्स्ट बी। तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ठीक है, सेकंड ए सेकंड बी, इन्होंने उनको अलग कर दिया, पृथक कर दिया, क्योंकि उसमें कमी में देखा था कि समान गुण धर्म वालों को उसने क्या रखा था, अलग अलग जो समूह थे उसमें रखा गया था, और जो भिन्न भिन्न गुण धर्म वाले तत्व थे उनको उसने समान समूह में रखा था। जैसे हमने देखा था कि पोटेशियम के साथ उसने किसको रख दिया था, कॉपर को रख दिया था, तो दोनों के गुण धर्मों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। यहाँ पर हेनरी मोजले ने उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से अपने इसको जो आज अपने फर्स्ट ए जो वर्ग है, उस फर्स्ट ए वर्ग को अपने जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है क्षारीय धातु। इसको क्या बोला जाता है आज के समय में, क्षारीय धातु। इसी तरह से जो फर्स्ट सेकंड ए है, इसको जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है क्षारीय मृदा धातु, इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। बीच के जो डी ब्लॉक तत्व हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोला जाता है। इन्हें क्या नाम दिया जाता है, संक्रमण तत्व नाम दिया जाता है, ठीक है। और जो ये डी ब्लॉक तत्व हैं, इन्हें क्या नाम दिया जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व इसे कहा जाता है। क्या नाम दिया जाएगा इसे, आंतरिक संक्रमण तत्व इसे नाम दिया जाएगा। ये जो शून्य समूह है, इस शून्य समूह के आज कई नाम बन गए, जैसे उत्कृष्ट गैसें, या इसको बोल दिया जाता है निष्क्रिय गैसें। पहले इनको निष्क्रिय गैसें कहा जाता था, लेकिन आजकल देखा गया ये गैसें निष्क्रिय नहीं होती है, रिएक्टिव होती है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया आज के समय में, उत्कृष्ट गैसें इसको नाम दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें तत्व कैसे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा जो सत्रहवां वर्ग है, इस सत्रहवें वर्ग को जो आज के समय में जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है हैलोजन परिवार। इसको नाम क्या दिया जाता है, हैलोजन परिवार इसको नाम दिया जाता है। इसके अलावा जो सोलहवां वर्ग है, इस सोलहवें वर्ग को अपने नाम देते हैं चालकोजन, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा, चालकोजन नाम दिया जाएगा। और पंद्रहवां जो वर्ग है, इस पंद्रहवें वर्ग को नाम दिया जाता है निकोजन परिवार।
ठीक है। तो 16वें 17वें वर्ग को हैलोजन परिवार, 16वें वर्ग को चालकोजन, ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है अपने चालकोजन कह देंगे। 15वें वर्ग को निकोजन नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इनको अलग अलग परिवारों के रूप में रखा जाता है। अब यहां पर तत्व कौन सा है, देखो फर्स्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। अब देखें यहां पर आप ये मत सोचें कि जो क्षारीय धातु, तो हाइड्रोजन क्षारीय धातु नहीं है, हाइड्रोजन एक अधात्विक तत्व है। हाइड्रोजन कैसा तत्व है, एक अधात्विक तत्व है। ये भी श्रेणी का अपवाद रहता है कि इसे अधात्विक तत्वों को धातुओं के साथ रखा गया है। इसी तरह से जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आधुनिक आवर्त सारणी धातुओं और अधातुओं को इस सीढ़ीनुमा आकृति से पृथक करने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये जो सीढ़ीनुमा जो अपने आकृति बनाई है, इस सीढ़ीनुमा आकृति से अगर अपने इस तरफ देखा जाए तो इस तरफ सारी की सारी क्या मौजूद है, मतलब इस सीढ़ीनुमा आकृति के इस तरफ अगर देखे जाए तो क्या है, धातु है। इस सीढ़ीनुमा आकृति के इस तरफ देखे जाए तो वो क्या है, अधातु है। और इस सीढ़ीनुमा आकृति के ऊपर ये जो पोजीशन है, यहां पर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर उपधातुएं पाई जाती है। तो इसका मतलब आधुनिक आवर्त सारणी धातुएं, अधातुएं और उपधातुओं को भी पृथक करने का कार्य करती है, ठीक है। तो इसके अलावा अब इसके ऊपर देखो, लेंथेनम और एक्टिनम के ऊपर आपको स्टार दिए गए हैं। तो स्टार का मतलब क्या हुआ कि ये श्रेणी जो अपने पास है, इस श्रेणी को नाम क्या दिया जाता है, लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। और इस वाली श्रेणी को क्या नाम दिया जाता है, अपने एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका संबंध कहाँ से है, इसका संबंध अपने मूल सारणी से ही है कि लेंथेनाइड तत्व यहाँ से इसमें आएंगे। तो यहाँ स्थान नहीं था, आपने कहा था मेंडलीव की आवर्त सारणी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को उचित स्थान नहीं मिला था, तो आधुनिक आवर्त सारणी में भी स्थान, मूल आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला है। मूल आवर्त सारणी से इसको कहाँ रखा गया, नीचे तत्वों को स्थित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर अपने देखें, तो ये अपने जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके अंदर तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कुछ लोग इन तत्वों को याद करने के लिए ट्रिक रखते हैं, जैसे अपने यहाँ पर ट्रिक बनाते हैं, इससे पहले वर्ग के लिए है लेना की रब से फरियाद, इसके लिए बन जाती है बेटा मांगे कार्ड स्कूटर बाप रोए, यहाँ पर इसकी बन जाती है शक्ति वाले कर्मों में फंस कर कोई नहीं कब तक बचेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इसकी बन जाती है एटीएम से यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रह पड़े आग कूद, ठीक है। इसकी बन जाती है ला हफ्ता वरना रे ओस इधर पिटाई और होगी, इसकी बन जाती है एसी रूफ दब कर सगे भाई हस मत दस रोग उनबेंगे। फिर इसकी बना लेते हैं लोग बैंगन आलू गोभी इन थेला
कहे सीता जी सुनो प्रभु, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ओ सचिन से टिपो, फिर इसकी बन जाती है फिर कल बाहर आएगी आंटी और ये उत्कृष्ट गैस है। तो इस तरह से लोगों इनके याद करने के अलग अलग तरीके बना रखे हैं। जिस तरह से आप तत्वों को याद कर सकते हैं उसी रूप में आप इन तत्वों को याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने कंटिन्यू रखेंगे, इन्हीं तत्वों के बारे में बातें करेंगे अपने, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जो चर्चा है वो अपने कंटिन्यू रखी जाएगी। थैंक यू।